नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। यूपी की योगी सरकार के नकल विहीन परीक्षा कराने के आदेश को नकल मंडी के नाम से बदनाम यूपी का कौशाम्बी मानने को तैयार ही नहीं है। इसी का नतीजा है कि अलकबीर डिग्री कॉलेज करारी में चल रही एमए एमएससी और एलएलबी की परीक्षा में नकल नहीं होने पर अन्य कॉलेज के लोगों द्वारा कॉलेज प्रबंधक पर नकल कराने का दबाव बनाया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधक के नकल नहीं कराने के चलते ही जहां शनिवार को 47 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, वहीं 23 परीक्षार्थियों के पास से अवैध नकल सामग्री पाए जाने पर रस्टिकेट कर दिया गया है। कॉलेज प्रबंधक का कहना है कि नकल नहीं कराने पर कई लोगों का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते प्रबंधक में भय बना हुआ है, जिसकी शिकायत एसपी को की गई। कॉलेज में 5 डिग्री कॉलेज के सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ 23 तारीख से पीजी की परीक्षा चल रही है, जिसमें बीएड भी है, एमए भी है, एलएलबी भी है, 5 ईयर्स भी है और 3 ईयर्स भी है। इसके साथ भी और भी अन्य कोर्सेज की भी परीक्षाएँ हैं। और क्या नाम है, हम 30 तारीख से नकल विहीन परीक्षा करा रहे हैं। कोई बच्चा अपना क्या नाम उंगली इधर से इधर भी नहीं ला पा रहा है, मगर आज दिनांक 30 तारीख को पहली पाली में एलएलबी और एमए और एमएससी के कुछ बच्चे थे, जिसमें रिजवी कॉलेज के अधिक बच्चे हैं, और इन्होंने नकल करने का पूर्णतः भरसक प्रयास किया। हमारे केंद्राध्यक्ष और कक्ष निरीक्षक द्वारा इनको मना किया गया कि नकल मत करिए, मगर ये मानने पर मतलब सहमत नहीं हुए। इसके बाद फिर इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय द्वारा जो पर्यवेक्षक आते हैं उनके द्वारा उनको मतलब 23 छात्रों को नकल में आरोपित और वित्त प्रमाण के साथ उन्हें पकड़ा गया और उनको रिस्टिकेट किया गया। शिक्षकों का जो है अध्ययन किया है, उसका यू एफ एम हमने किया है। मैं जब पर्यवेक्षक बन गया है इस महाविद्यालय में, तो तत्काल मैंने जांच किया और जिसमें हमने 23 बच्चों को तत्काल रिस्टिकेशन किया। टोटल बच्चे यहाँ पे 572 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 23 मैंने यू एफ एम किया और 47 लड़के एबसेंट। और इस मिशन में जो मैंने मिशन में कामयाबी हासिल किया, 23 बच्चों को मैंने यहाँ पे क्राइम स्टोरी के लिए कौशाम्बी से शिवशंकर मदनवाल की रिपोर्ट।